हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त कनिका। मेरे यूट्यूब चैनल कनिका की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कढ़ाई पनीर की रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आइए उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमने लिए हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर, 4 प्याज जिसमें से 2 हमने इस तरीके से क्यूब्स में काटी हुई हैं जो कि फ्राई करने के लिए चाहिए होंगी हमें, और बाकी 2 हमने ऐसे रफली चॉप कर लिए। इसका मसाला तैयार होगा। 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं स्प्लिट की हुई, 2 शिमला मिर्चें ली हैं हमने। फ्रेंड्स, हमने लिए हैं 7-8 कलियां यहाँ पर लहसुन की और 1 से 1.5 इंच अदरक। ये लिया हमने काजू, 7 से 8, ऑयल, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कसूरी मेथी। यहाँ हमने लिए क्रीम। हम इसकी जगह अब घर की निकली हुई मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 kg पनीर, और ये हमने खड़े मसाले लिए हैं जो कि हम आगे ग्राइंड करेंगे। ये हैं 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें, तेजपत्ता, लौंग, दालचीनी का एक टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 8 से 10 दाने काली मिर्च के। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपना सब्जी बनाना। चलिए दोस्तों, हमने ले लिया है कढ़ाई। इसमें हम डालेंगे सात से आठ, ये हमने बड़े चम्मच लिए हैं 7 से 8 तेल के। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने शिमला मिर्च ली थी हमने उसे इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है। आप चाहें तो इसे डाइस में भी काट सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, तो जो हमने यहाँ पर प्याज ली थी इस तरीके से चकोर टुकड़ों में काट के, अब हम उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये हमें ज्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस हल्का सा कलर आने तक। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज हो गई है। ये मैंने थोड़ी मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई की है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे सेम ऑयल में हम शिमला मिर्च को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई किया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्याज और शिमला मिर्च फ्राई हो गए हैं। हमें इस तरीके की चाहिए ये फ्राई किए हुए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने कढ़ाई पनीर का मसाले हम रोस्ट करके और इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। हम यहाँ एक पैन ले लेंगे। इसमें 1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ छोटी, ये जितने भी हमने खड़े मसाले लिए हैं सब सारे छोटी चम्मच हमने 1 से 1.5 छोटी चम्मच लिए हैं। यहाँ पर हम जीरा लेंगे 1 से 1.5 छोटा चम्मच। दो छोटी इलायची, 8 से 10 दाने काली मिर्च के, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा और 2 पत्ते तेज पत्ते वाले। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। जैसे ये रोस्ट होना स्टार्ट होंगे इसमें से मसालों की बड़ी अच्छी सी स्मेल आने लगेगी। देखिए, हमने इसे बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इन्हें रोस्ट करेंगे ताकि मसाले जल ना जाएं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे मसाले जो हैं यहाँ पे रोस्ट हो चुके हैं। हम गैस बंद कर देंगे
और इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। फ्रेंड्स इतने हमारे रोस्टेड मसाले ठंडे हो रहे हैं, हम यहाँ पर ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो जो मेरे पास फ्राई किए हुए प्याज और शिमला मिर्च का जो ऑयल बचा था, मैं सिर्फ उतना ही ऑयल लूंगी। ये करीबन 3 से 4 चम्मच छोटे चम्मच ऑयल होगा, ये ग्रेवी बनाने के लिए बहुत होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रेवी बनाना। पहले हम इसमें डालेंगे रफली चॉप्ड अनियन, पांच से छह लहसुन की कलियां, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, और अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। दोस्तों जितने हमारी प्याज हो रही है, हम इन टमाटरों को रफली चॉप कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी प्याज अब यहाँ पर हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें अपने रफली चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे और यहाँ पर जाएंगे 4 से 8 काजू। अगर आपके पास काजू नहीं है तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है डालने की, ऑप्शनल है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक भी डालेंगे। नमक से होगा कि आपके टमाटर ना जल्दी गल जाएंगे। तो इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे खड़े मसाले भी अब ठंडे हो गए हैं। हम इसमें से ये तेज पत्ता अलग कर देंगे, ये हमारे बाद में काम आएगा। बाकी ये जितने भी खड़े मसाले हमने रोस्ट किए थे, ड्राई रोस्ट, उसे हम एक मिक्सर के जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स जो हमारे खड़े मसाले थे वो अब हमने पीस लिए हैं और इस तरीके का पाउडर उसका तैयार है। ये ज़्यादा बारीक नहीं करना आपने, इसी तरीके का दरदरा पाउडर रखना है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस मसाले को बनाकर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आप कढ़ाई पनीर बनाएंगे ये मसाला आपके काम आएगा और कढ़ाई पनीर बनाने में आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि आपके पास ये रोस्टेड खड़े मसालों का ये पाउडर पहले से ही रेडी होगा। देखिए दोस्तों यहाँ हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करके इसे भी पीस लेंगे। देखिए दोस्तों जो हमने प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाने के लिए रोस्ट करे थे, वो भी फ्राई करे थे, उसकी हमने यहाँ पे ग्रेवी तैयार कर ली है। प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये टमाटर और प्याज ठंडा होने के बाद ही आप इसे पीसें, वरना इससे जलने का खतरा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों कढ़ाई पनीर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस चालू कर दूंगी, कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। इसमें हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे प्याज और शिमला मिर्च पहले से फ्राई हैं, तो उनका भी एक्स्ट्रा जो तेल आएगा वो सब्जी के अंदर ऑलरेडी छूट जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच देगी मिर्च का डालूंगी, देगी मिर्च से रंग अच्छा आता है। और अब इसमें हम डालेंगे अपना पिसे हुआ मसाला। फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिया था 1/2 स्पून, बिल्कुल छोटा वाला स्पून जो होता है, 1/2 स्पून धनिया पाउडर का। और अब हम इसे सिर्फ हमें ये 4 से 5 मिनट तक के लिए पकानी है, क्योंकि इसमें जो हमारे मसाले थे वो ऑलरेडी पके हुए थे, तो जो कच्चे मसाले की स्मेल थी वो निकल चुकी है, तो इसे पकाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों अब हमारा यहाँ पे मसाला पक गया है, इसने चारों तरफ ऑयल अपना छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1/2 स्पून नमक और डालेंगे। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, क्योंकि इसमें नमक पहले भी डाला हुआ है, तो आप देख कर डालिएगा कि कितना आपको नमक चाहिए। और जो तेज पत्ते हमने अलग निकाले हुए थे वो तेज पत्ते भी अब हम इसमें डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए और थोड़ा सा भूनेंगे। चलिए फ्रेंड्स हमें 1 से 2 मिनट हो गए हैं अपने मसाले को भूनते हुए। अब हम इसमें जो हमने अपना मसाला बना के रखा था,
जो साबुत मसाले जो हमने पीसे थे वो कढ़ाई पनीर का मसाला हम उसमें डाल लेंगे। ये जाएगा 2 छोटे चम्मच। हमने जो हरी मिर्च इसमें स्प्लिट की करके रखी हुई थी वो डाल देंगे, और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला भी ऑप्शनल है, अगर आपको गरम मसाला सूट करता है तो आप गरम मसाला डालिए, अदरवाइज आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम जो हमने फ्राई करके यहाँ पे रखे हुए थे शिमला मिर्च और प्याज वो हम इसमें डाल लेंगे, और पनीर डाल लेंगे। अगर आप चाहें तो पनीर को फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बिना फ्राई किया हुआ लिया है, और आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। मैंने रफली इस तरीके से शेप्स ली हुई है। अभी इन्हें अच्छे तरीके से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने अपने सब्जी को अच्छे से चला लिया है और ये सारे मसाले पनीर के अंदर अच्छे से लिपट गए हैं। दोस्तों अगर आप इसमें हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे ग्रेवी वाला नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस तरीके से थोड़ा ड्राई रखा हुआ है। अब हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। अब हम इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक बाउल में इसे निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा कढ़ाई पनीर बनके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी अपने घर पर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोबारा एक नई रेसिपी के साथ, तब तक प्लीज़ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।